अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। जैसे कि हमने पहले स्किन पे बात की थी कि मौसम बदल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो हमें स्किन में क्या करना चाहिए, उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि हमें बालों के लिए क्या करना चाहिए और क्या बालों के लिए करना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है, डेफ़िनेटली होती है। अगर आपके बाल जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे या आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो आपकी स्किन का या आपके फेस का फ्रेम है वो बाल बनाते हैं, आपके बाल आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें सर्दियों में क्या करना चाहिए। सर्दियों में क्योंकि हम गर्म पानी यूज़ कर रहे होते हैं, घर में अगर हीटिंग चल रही हो तो तब भी जो है वो क्या कहते हैं ड्राइनेस जो है वो हो जाती है। उसके अलावा पानी कम पीने को दिल चाहता है या जो पानी की का इंटेक है वो कम हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है जिससे स्किन भी विदर्ड होती है और बाल भी ड्राई होते हैं। और गर्म पानी यूज़ करने से या उससे नहाने से भी बाल ड्राई होते हैं। फिर ये हो जाता है कि बाल जो हैं उसके अंदर वूल भी फंसती है। हम जो ब्लैंकेट्स लेते हैं, हम जो स्वेटर्स पहनते हैं या शॉल ले लेते हैं, इन सब की जो फर होती है वो भी बालों में फंसती है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बालों को एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद सर्दियों में भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है। डैंड्रफ एक बहुत ऐसा कॉमन इशू है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर दूसरा बंदा आके हमें कह रहा होता है कि मेरे सर के अंदर जो है वो डैंड्रफ है। लेकिन सर अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो तब भी आपका शैम्पू या आपका रेजिड्यू जो है वो इकट्ठा होता रहता है स्कैल्प पे। जब वो इकट्ठा होता रहता है तो एक बिल्डअप बन जाता है और फिर आपको लगता है कि आपकी जो स्कैल्प है वो ख़राब हो गई है। तो समटाइम्स आपको डैंड्रफ नहीं होती है, समटाइम्स जो आपका रेजिड्यू इकट्ठा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, वो भी आपको नज़र आ रहा होता है। इसमें हमने करना क्या है, एक तो ये कि आपका पानी जिससे आप सर को वॉश करें वो ल्यूक वार्म होना चाहिए। फिर आपके जो शैम्पूज हैं अगर वो सल्फेट फ्री हों तो क्या बात है, क्योंकि जब वो सल्फेट फ्री होंगे तो उससे आपका जो कैरेटिन है, जो प्रोटीन है, वो भी रिस्टोर रह सकेगी और उसके अलावा बालों की शाइन जो है वो रिस्टोर रहती है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप पहले आपने गर्म पानी से बाल धो भी लिए हैं तो जो लास्ट वाले फ्यू रिंसेज होते हैं, जो लास्ट टाइम में आपने 3-4 दफ़ा पानी गुजारना है, वो आप ल्यूक वार्म कर लें, वो आप कोसा रख लें, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि आपके बाल जो हैं वो ख़राब ना हो। इसमें मॉइस्चराइजेशन बालों को देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अच्छे कंडीशनर्स अवेलेबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पीएच को भी बैलेंस रखते हैं और उसके अलावा जो है वो मॉइस्चराइजेशन जो है या हाइड्रेशन दे के रिस्टोर करते हैं आपके बालों की हाइड्रेशन को। प्लस लीव ऑन भी होते हैं, एक तो वो वाले कंडीशनर्स होते हैं जो आप लगाते हैं और उसके 3-4 मिनट के बाद आप उसको रिंस ऑफ कर देते हैं एक्सेस को, और कुछ लीव ऑन होते हैं, जो लीव ऑन होते हैं वो नहाने के बाद या बाल धोने के बाद गीले बालों में लगाए जाते हैं। फिर बहुत सारे कैरेटिन के इस किस्म के सीरम्स अवेलेबल होते हैं जो आप किसी भी ऑयल की तरह जो है वो लीव ऑन कंडीशनर की तरह या ऑयल की तरह आप सीरम को लगा लेते हैं अपने गीले बालों में, वो भी उसको रिस्टोर रखता है। आपने अपने बालों को जो आप ब्रश करते हैं वो शायद आपको सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज़ जितनी भी वूल फंसी हुई होती है वो निकल जाएगी तो आपके बाल आपको रफ़ नहीं लगेंगे, आपके बाल आपको फ्रिजी नहीं लगेंगे, ठीक है। और मसाज आप अगर बालों को कर सकें हफ्ते में 2 दफ़ा विदाउट एनीथिंग, सिर्फ खाली आप अपने फिंगर टिप से अगर मसाज कर लें, जस्ट लाइक दिस, आप बैठे हुए हैं और आप अपने स्कैल्प पे मसाज कर रहे हैं विदाउट एनी मीडियम, तो ये बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिस्टोर करके आपके बालों को ठीक रखता है। नेवरदलेस अगर आपके सर में डैंड्रफ है या डैंड्रफ हो जाती है तो उसके लिए अगर तो शैम्पू चेंज करने से कवर मिलता है तो इट्स ओके, अगर नहीं मिलता तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। हमारे पास जो रेजिड्यू जमा करने वाले स्कैल्प्स होते हैं या जिनके ऊपर रेजिड्यू जमा होता रहता है या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, उसके लिए सीरम इन्फ्यूजन्स अवेलेबल हैं। अगर घर में चीज़ें चेंज करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप आएंगे तो हम आपकी जो स्किन टाइप है या स्कैल्प है उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सीरम इन्फ्यूजन्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं, रेजिड्यू नहीं जमा होने देते, आपकी स्कैल्प को हेल्दी करते हैं, उसकी रिस्टोर करते हैं हेल्थ, तो फिर आपके बाल अच्छे रहते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एंटी डैंड्रफ जो प्रोसीजर्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं उससे ठीक होता तो फिर हम घर में ठीक नहीं होता तो हम यहाँ पे क्लिनिक में करते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट होता है वो हेयर लाइट है। हेयर लाइट जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है और आपकी स्कैल्प की हेल्थ को रिस्टोर करती है और आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करती है।